hello students today we will start a new chapter minerals and rocks so in this chapter we will learn some important informations about the formation of minerals and rocks so we will learn about minerals and rocks in this chapter minerals minerals are basically naturally occurring organic and inorganic substance having a definite chemical composition and physical properties a mineral composed of two or more elements for example sulfur copper gold graphite etc so basically hamare minerals hain, these are naturally occurring organic and inorganic substance and they are having a definite chemical composition and physical properties there are nearly 2000 minerals are found on earth crust about 98 percent of the total crust of the earth is made up of eight elements so basically 2000 types of minerals सो so, हमारे क्रस्ट से हमें दो या उससे भी अधिक प्रकार के मिनरल्स प्राप्त होते हैं और जो 98 एट परसेंट है हमारा क्रस्ट का तो एट एलिमेंट हमारे जो है वो 98 एट परसेंट और बाकी टू परसेंट में बाकी और दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं the basic source of all मिनरल is the hot magma in the interior of the earth. basically, जिन वर्ल्ड में भी वर्ल्ड में जिन एरियाज में भी वॉल्केकैनिक इरप्शंस होते हैं उन वॉल्केकैनिक इरप्शंस के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो, वो प्राप्त होते हैं क्योंकि जो हमारा इंटीरियर ऑफ़ द अर्थ है उससे बहुत सारे मिनरल्स बाहर आते हैं लावा के रूप में और जब ये लावा ठंडा हो जाता है पूरी तरीके से और उससे जो हमारी अर्थ क्र जो हमारी अर्थ क्रस्ट या अर्थ की अपर लेयर तैयार होती है जब तो उसमें हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं some major minerals and their characteristics now we will study some major type of minerals main minerals and about their characteristics so feldspar it is constituted of silicon and oxygen and some quantity of sodium potassium calcium and aluminum so basically ये पूरा का पूरा सिलिकन और ऑक्सीजन के मिलने से ये बनता है इसके अलावा इसमें सोडियम पोटाशियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी पाया जाता है हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्ड्स पार आधे से ज़्यादा हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो इसी से बनी हुई होती है या इसी से बनी हुई है इट हैज़ लाइक क्रीम टू सेलमन पिंक कलर और हल्का वाइटिश मतलब वाइट में इसका ब्राउन मिला दो सी शेड आती है वो या लाइट पिंक कलर जो है वो इसका होता है और बेसिकली इस मिनरल का यूज़ जो है हम लोग सेरेमिक इंडस्ट्री सेरेमिक मेकिंग जो पॉट्स होते हैं गमले होते हैं या हमारे किचन में चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं तो सेरेमिक का जो काम है या ग्लास मेकिंग में इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है क्वाड्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट सो बेसिकली दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट इट कंसिस्ट ऑफ सिलीका बेसिकली क्वाड्स इज हार्ड इन नेचर काफ़ी हार्ड पत्थर है ये हार्ड मिनरल है एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर ये पानी में इंसॉल्यूबल है इट इज़ वाइट एंड कलरलेस, बेसिकली ये पानी में घुलता नहीं है और इसका जो कलर है वो वाइट या आप उसको कलरलेस कह सकते हैं कोई भी कलर उसका नहीं है एंड इट इज़ यूज इन रेडियो एंड रडार बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज पॉड्स का होता है वो रेडियो और रडार में होता है इसके अलावा माइका सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पोटेशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका इन सबका कम्बाइंड है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन और सिलिका का बेसिकली दिस मिनरल इज़ फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स ये हमारा इग्नियस और मेटामोफिक रॉक्स यानी बेसिकली हार्ड रॉक्स में पाया जाता है इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इसका जो यूज़ है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइका का हिंदी में इसको अभ्रक बोलते हैं तो हिंदी में सॉरी uh, uh, इंडिया में जो ये अभ्रक है या माइका है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन वर्ल्ड सो इस तरह से जो हमने ये मेन मेन मेटल्स देखे हैं बेसिकली ये जो हमारे मिनरल्स हैं ये मिनरल्स भी हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं एक वो मिनरल्स जो कि मेटेलिक होते हैं और दूसरे मिनरल्स जो कि हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें कि हमारे मेटल्स होते हैं दीज मिनरल्स कंटेन्स मेटल्स नाउ दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स जो हमारे ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनमें हमारे कुछ प्रेशियस मेटल्स भी होते हैं लाइक सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम फेरस इट इंक्लूड्स ऑल मेटल विच हैव आयरन और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता लाइक कॉपर लेड जिंक टिन एल्यूमिनियम एक्सेट्रा नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये हमारे वो मिनरल्स होते हैं